हे गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे पाइप का ओडी क्या होता है, पाइप का एनपीएस क्या किसे कहते हैं, और इसका आईडी क्या होता है पाइप की। तो इस सब जितने भी कंटेंट है इसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ कंटिन्यू इस वीडियो में, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है शॉर्ट में, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, स्किप ना करें, ठीक है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पाइप, ठीक है ना, ये पाइप है। और पाइप की जो ओडी है, तो ओडी मतलब क्या होता है, आउटर डायमीटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ओडी आउटर डायमीटर होता है, पाइप के बाहर से बाहर की दूरी को ओडी कहते हैं, यानी कि आउटर डायमीटर, यानी कि बाहरी व्यास कहते हैं इसे, ठीक है ना। डायमीटर मतलब व्यास, तो आउटर डायमीटर यानी कि ओडी, ठीक है ना। मैं आपको समझाने वाला इस वीडियो में, आगे ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं सीएफ क्या होती है, ठीक है। तो सीएफ जो है सर्कमफ्रेंस इसे कहते हैं फ्रेंड्स, पाइप की गोलाई को सीएफ कहते हैं, यानी पाइप का सर्कुलर जो पाइप होता है उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद से फ्रेंड्स अगला है शेड्यूल, ठीक है ना। ऐसे सी एस से मैं डिनोट किया हूँ, इसे शेड्यूल कहते हैं। पाइप शेड्यूल क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। पाइप शेड्यूल जैसे कि शेड्यूल 10, शेड्यूल 20, शेड्यूल 40, शेड्यूल 80 से लेके बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, ठीक है ना। तो शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड देन आफ्टर एनपीएस, ठीक है ना। एनपीएस यानी नॉमिनल पाइप साइज, ये क्या होती है और इसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। पाइप के आईडी को एनपीएस कहते हैं, जैसे कि आप नोट कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं ये कंटेंट जो है ब्लॉग पे डाल दूंगा, ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम चलिए हम बात करते हैं, अब आगे इसके आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब एनपीएस जो था ऑलवेज इंचज में रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि फ्रेंड्स यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जैसे कि 2 इंच का पाइप है, 1 इंच का पाइप है, 1.5 इंच का पाइप है, 2 इंच का पाइप है, 3 इंच का पाइप है, 4 इंच, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये सारे इंचेज है ना। तो इसे हम ये एनपीएस में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो एनपीएस हम डायरेक्ट कहते हैं ना कि 2 इंच का पाइप, 6 इंच का पाइप, 8 इंच का पाइप, तो एनपीएस साइज में ही हम कहते हैं, ठीक है ना। और ये ऑलवेज इंचेज में होता है, ठीक है ना, ये चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम देखते हैं कि सीएफ क्या होता है। अगर आपको सीएफ निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला में क्या आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर सीएफ निकालना हो तो इसके लिए आपके पास ओडी होना चाहिए, ठीक है, तब आप सीएफ निकाल पाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीएफ निकालने के लिए आपको सिंपल सीएफ मतलब सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे ओडी जो है पाइप का ओडी क्या है, और उससे हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई का वैल्यू यानी कि 3.14 होती है, ठीक है ना, 3.14, ठीक है ना, ये वैल्यू होती है पाई की। तो जितना भी ओडी होगा उसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आपका सीएफ निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं, सीएफ तो हो गया। अब उसके बाद मान लो कि ओडी आपको निकालना हो, ठीक हो ना, तो ओडी कैसे निकालोगे। मान लो कि सीएफ निकल गया, ठीक है, तो सीएफ जितना निकलेगा तो सीएफ को हम डिवाइड करेंगे पाई से। जब पाई से डिवाइड करेंगे जितना रिजल्ट आएगा वो ओडी होगा। तो एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे इसी वीडियो में नीचे, कुछ देर बाद हम देखते हैं। चलिए हम आगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक पाइप दिख रहा है, ठीक है ना, तो हम चलिए आपको बता देते हैं, पहले हम आपको बता देते हैं ओडी क्या होती है फ्रेंड्स। जैसे कि ये सर्कुलर पाइप आप देख रहे हो, ठीक है ना, गोलकार है, ठीक है ना, तो ये पाइप है। तो ये जो बाहरी जो ये डिस्टेंस रहती है, ठीक है ना, तो ये जो रहती है ओडी होती है, यानी आउटर डायमीटर होती है। मैं आपको बता देता हूँ, अब देखिए यहाँ से लेके, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना आउटर, ये ओडी होती है, ठीक है ना, यानी कि परिधि का हाफ। और सीएफ क्या होती है मैं आपको बता दूँ, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, तो पूरा जो गोलाई है ना, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सीएफ कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आईडी क्या कहलाती है मैं आपको बता दूं कि देखिए ये अंदर वाला जो भाग होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम आईडी कहते हैं। आईडी मतलब होता है इंटरनल डायमीटर होता है, ठीक है ना। और थिकनेस क्या होती है, पाइप की थिकनेस होती है, ये होती है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये थिकनेस होती है पाइप की। अगर आप मेजरमेंट से मेजर करना चाहो तो आप मेजर कर सकते हो। मान लो कि गोलाकार एक पाइप है, तो पाइप के आप चारों बगल से आप टेप को लगाएं और मेजरमेंट टेप को लगाएं और मेजर कर लें, ठीक है ना। और मेजर करने के बाद से जितना आपका ओडी आता है, यानी कि आउटर डायमीटर आता है, ठीक है, जब आउटर डायमीटर जितना आता है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई से ना, तो आपका सीएफ निकल जाएगा, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस मतलब ये पूरा गोलाकार पाइप का कितना सीएफ है, सर्कमफ्रेंस है, वो निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एनपीएस 2 इंच का है, ठीक है, मान लो कि एनपीएस आपका 2 इंच का है, ठीक है ना, और शेड्यूल 40 है, ठीक है ना। एनपीएस 2 इंच है और शेड्यूल 40 है, यहाँ पे इसका वाल थिकनेस जो है 0.154 होगा mm, ठीक है ना,
3.91 mm होगा, ये इंच में है, और यहाँ पे नीचे mm में दिया है। तो मान लो कि आपका वॉल थिकनेस जो होगा 3.91 mm होगा, इसका जो वेट होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 5.44 kg/m होगा, उसका वैसे ओडी जो इसका फ्रेंड्स होगा 60.325 mm होगा, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हमने देखा। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, CF मान लो, CF हमको निकालना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे CF का फॉर्मूला जो होता है ओडी इंटू पाई होती है, ठीक है ना। तो 2 inch का मान लो कि 2 inch का NPS 2 inch है और उसका शेड्यूल 40 है, तो यहाँ पे CF निकालना है हमको, ठीक है ना। जबकि हमको पता है कि 2 inch पाइप का जो ओडी होता है वो 60.325 होता है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो आपका निकल के आएगा 189.4205 mm निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपको मिल गया CF, ठीक है। अब CF से आप सिंपल है OD निकाल सकते हो, ठीक है। तो OD अगर आपको निकालना हो तो CF से हम डिवाइड कर देंगे पाई को, ठीक है ना। उसमें CF हमको मल्टीप्लाई करना था पाई में, OD में। अगर OD निकालना हो तो CF से हमको डिवाइड करना पड़ेगा पाई से। तो देखिए ये आंसर निकल के आया 189, ठीक है ना। तो अब इसमें जो है हमको डिवाइड करेंगे 3.14 यानी पाई की वैल्यू से, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 60.325 mm, यानी कि 2 inch पाइप की जो फ्रेंड्स ओडी है वो 60.325 होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, देख लीजिएगा 60.325 mm, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये होता है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पाइप का जो ओडी रहता है वो समान रहेगा, पर इसके थिकनेस वेरी करता रहेगा शेड्यूल के अनुसार, ठीक है ना। जैसे कि आप नीचे हम आपको बता देता हूँ कुछ जो फ्रेंड्स आपको ओडी है वो याद रखना रहता है 12 इंच, तो उसके बाद से फॉर्मूले की सहायता से आप उसको कर सकते हैं। तो जैसे 2 inch का जो पाइप है मान लो, उसका ओडी जो है 60.325 mm होगा, इसका थिकनेस 3.91 mm होगा। 4 inch का अगर है तो उसका जो ओडी होगा फ्रेंड्स वो 114.3 mm होगा, और इसका जो थिकनेस है वो 60.02 mm होगा। 5 inch का है तो इसका 141.3002 mm, और इसका थिकनेस 6.55 mm होगा। अगर 6 inch का है तो इसका 168.275 mm, और 7 से 11 mm इसका फ्रेंड्स ये थिकनेस होगा, ठीक है ना। तो 7.11 होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, सॉरी 7.11 होगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसका बेटर स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको नीचे एक एग्जांपल बताया था। मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पाइप का ओडी रहता है वो समान रहता है, लेकिन जो थिकनेस रहता है वो शेड्यूल के अनुसार वेरी करता रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ से केयरफुली आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे पाइप का साइज है NPS, यानी कि 20 इंच का NPS है और शेड्यूल 40 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे OD जो रहता है वो 508 mm है, OD 508 mm, इसको आप नोट कर लीजिए, और थिकनेस है 15.09 mm। अब देखिए दूसरा एक देखते हैं, NPS है 20, ठीक है ना, ये भी NPS 20 है और यहाँ पे भी NPS 20 है, ठीक है ना। अब देखो शेड्यूल यहाँ इसका जो है, यहाँ पे शेड्यूल 40 था ना, अब यहाँ पे शेड्यूल 60 है, ठीक है ना, कितना है 60 है। तो 60 ओडी तो सेम है, देखो यहाँ पे 20 इंच जो था यहाँ पे शेड्यूल 40 था, इसमें 508 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल 60 है और ये 508 है ओडी। ओडी तो समान है, मैंने आपको जैसे कि पहले के बोला था, लेकिन जो शेड्यूल नंबर के अनुसार थिकनेस वेरी करता है। जैसे देखो यहाँ पे फ्रेंड, जैसे कि आप देख लो इसका शेड्यूल जो है ना 40 है और इसका है 60, तो देखो ये थिकनेस 15.09 mm है और इसका थिकनेस 20.62 mm है, यानी कि थिकनेस वेरी कर रहा है लेकिन जो आपका ओडी वो समान रहेगा। यानी कि समझ लो कुल मिला के मैं ये आपको बता देता हूँ कि पाइप का जो शेड्यूल नंबर होता है उसके अनुसार थिकनेस वेरी करेगा लेकिन जो ओडी रहता है वो समान रहेगा। अब देखो एक और चीज़ दिखा देता हूँ नीचे, आप देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो NPS जो है वो 20 इंच है, ठीक है ना, NPS 20 इंच है और शेड्यूल यहाँ पे 80 है, ठीक है। अब देखो ओडी तो 508 mm होगा, जैसे कि इस पे भी 508 mm था, लेकिन थिकनेस वेरी किया है 26.19 mm और यहाँ पे 20.62 mm था, यानी कि यहाँ पे शेड्यूल चेंज हुआ, यहाँ पे 80 हो गया और यहाँ पे 60 था ऊपर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे थिकनेस चेंज हुआ और यहाँ पे जो है शेड्यूल 80 है, तो इसलिए यहाँ पे थिकनेस जो आपका चेंज हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है ना, यानी कि 26.19 हो गया यहाँ पे। अब देखो NPS 20 है और शेड्यूल 100 है, तो यहाँ पे तो ओडी समान रहेगा 508 mm, लेकिन थिकनेस वेरी कर गया है 32.54 mm हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं ओडी क्या है, NPS क्या है। अब आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, देखिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ अपने मोबाइल फ़ोन के, गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद से यहाँ पे आप टाइप करो पाइप शेड्यूल चार्ट, ठीक है ना। जब आप पाइप शेड्यूल चार्ट आप ये टाइप करोगे इसमें, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप इसका रेटिंग बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, ये वाला जो पाइप शेड्यूल इसको आप डाउनलोड कर लेना, ये 2-3 MB का है,
ज़्यादा एमबी का नहीं है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये पहला डाउनलोड नहीं करिए, इसका जो है रेटिंग 3.8 है और इसका रेटिंग बहुत बढ़िया रेटिंग है, ठीक है ना। तो पाइप शेड्यूल ऐसा इसका लोगो होगा, ठीक है ना। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, और इंस्टॉल कर लीजिएगा उसके बाद से हम इसका इंटरफेस कैसे देखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे में पहले से डाउनलोडेड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखो मैंने ओपन किया, तो फ्रेंड्स ये भी ओपन हो गया है। चलिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, मैं जो है फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे ये ओपन हो गया, अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे कि है यहाँ पे, मान लो कि अगर कोई भी आपको ओडी देखना हो, थिकनेस देखना हो, जैसे 2 इंच का मैं देखता हूँ, ठीक है ना, 2 इंच, और शेड्यूल में देख लेता हूँ 40 का, ठीक है ना। 40 सेलेक्ट किया यहाँ पे, और चले देखिए यहाँ पे 2 इंच का निकल के आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि 2 इंच पाइप का जो शेड्यूल है ये 40 शेड्यूल है, और 2 इंच एनपीएस है। इसका थिकनेस है 3.91 mm, और इसका ओडी है 60.325 mm। यहाँ पे इसका वेट भी देख सकते हो, वाल थिकनेस भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ बहुत बढ़िया ऐप है, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है फ्रेंड्स ये वाला, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगला वीडियो डालूंगा जल्दी, और इसके वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड फाइनली ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।